हेलो दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट 91 में स्वागत है। आज का टॉपिक है डिवाइजर्स, यानी कि भाजकों की संख्या। ठीक है, हम लोग सीखेंगे भाजकों की संख्या। इस तरह का क्वेश्चन देखिएगा एग्जामों में अक्सर आजकल पूछे जा रहे हैं, चाहे कोई भी सेक्टर हो, एसएससी हो या बैंक हो या रेलवे हो या अदर कोई भी हो, उसमें से इससे एक क्वेश्चन आइए जा रहा है। तो आज आपका हम एक नंबर फिक्स कर देंगे इसके द्वारा। आइए देखते हैं 144 के सभी भाजकों की संख्या कितनी है। 144 के भाजकों की संख्या कितनी है, यानी कि 144 जो है कितने संख्याओं से विभाजित होगा, क्या करना है, यहाँ प्रोसेस हम लोग जानेंगे। सबसे पहले इसका अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है। सबसे पहले 144 का अभाज्य गुणनखंड, कैसे निकालेंगे 144 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। अब देखेंगे इसका अभाज्य गुणनखंड कितना है, दो कितना है, एक दो तीन चार, तीन कितने हैं, तीन के पावर दो। ठीक है, यानी कि हमको मिला दो मिला चार गो और तीन मिला दो गो। अब क्या करना है, जो भी पावर है पावर में एक जोड़कर आपस में क्या करेंगे, गुना कर देंगे। पावर में एक जोड़ेंगे और आपस में क्या करेंगे, गुना कर देंगे बाबू। तो हमको ये पता चल जाएगा कितने संख्या से विभाजित होगा। देखिए, यानी कि चार एक पाँच गुने तीन कितना होगा, तीन पचे पंद्रह, यानी कि ये पंद्रह संख्याओं से क्या है, पंद्रह संख्याओं से विभाजित होने वाला है 144। ठीक, क्लियर। और नहीं तो देखा जाए, एक छोटा पर हम लोग देख लेते हैं, जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, हम लेते हैं बारह को देखते हैं। जैसे 12 को उंगली से गिनते हैं, कितने संख्या से विभाजित होगा, 100 होगा, 200 होगा, 300 होगा, 400 होगा, 500 नहीं होगा, 600 होगा, 600 होगा, 7 8 9 10 11 नहीं होगा, 12, यानी कि 6 संख्या से विभाजित हो रहा है। ये जो है उंगली से गिने तो 6 को संख्या से विभाजित हो रहा है। हम देखते हैं कि इसको बनाकर 6 वारा नहीं आ रहा है, क्या करेंगे, 12 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। कितना हुआ, दो के पावर दो गुने तीन के पावर एक, पावर में एक जोड़ दीजिए, दो प्लस वन, वन प्लस वन कितना हुआ, तीन गुने दो, तीन गुने दो यानी छ। देखिए यहां से ये बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि जो ये रूल था, ये जो तरीकाएं हैं बिल्कुल सही हैं मेरे अभाज्य भाजकों की संख्या ज्ञात करने के लिए। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ ध्यान लगाएंगे बाबू, दिया हुआ है संख्या 2600 में एक और अपने को छोड़कर भाजकों की संख्या कितनी है। तो यहाँ ध्यान लगाएंगे, क्या कर रहा है, एक और अपने को छोड़कर, यानी एक से तो कोई संख्या कटेगा और खुद से भी संख्या कटेगा, कोई भी हो, वो यहाँ पर यह ज्ञात करना है कि एक और अपने को छोड़कर बाकी कितने संख्या हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या बताए हैं, पिछला क्वेश्चन बताए थे कि इसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। अभाज्य गुणनखंड निकालने के बाद जाके जो पावर आएगा उसमें एक जोड़कर आपस में गुना कर लेना है। ठीक है, चलिए देखेंगे, दो मिला को गो पांच गो, पांच मिला को कितने दो गो और तीन मिला तीन गो, क्या करेंगे, पावर में एक जोड़ेंगे तो हो जाएगा छ तीन चार, गुना कर देंगे बाबू आपस में, कितना होगा, तीन छक्का अठारह, अठारह चौके बहत्तर,
18 चौके 72। अब 72 देखिए ये टोटल आया, इसको विभाजित होने वाला संख्या कितना 72 को, लेकिन एक और खुद को छोड़ना है तो इसमें से क्या करेंगे 2 घटा देंगे तो कुल मिला हमको कितना 70। ये हो गया आपका आंसर। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72 के पावर 8 के भाजकों की कुल संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, तो 72 के पावर 8 हैं तो क्या करेंगे, जो बेस यहाँ पर मेरा 72 है, 72 को हम अभाज्य गुणनखंड में तोड़ेंगे। यहाँ देखेंगे 72 को अभाज्य गुणनखंड में तोड़ेंगे। कितना मिला 2 मिला 3 गो और 3 मिला 2 गो और इसका होल के पावर 8 है तो अपना 8 रहेगा ही रहेगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है, 2 के पावर आपस में गुना होगा तो हो जाएगा 24 और गुने 3 के पावर हो जाएगा 16। अब यहाँ हो जाएगा कितना 24 × 1 = 25 और 16 × 1 = 17 यानी कि 25 × 17 को आपस में गुना कर दीजिए कितना हो जाएगा 7 × 5 = 35 × 5 = 3 5 × 14 = 19 19 × 3 = 22 हासिल मिला 2 और 2 × 2 = 4 यानी कि मेरा हो गया कितना 425। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसको कुल विभाजित करने का कुल संख्या कितना मिला हमको 425। चलिए अब यहाँ से क्वेश्चन में थोड़ा सा टेस्ट को चेंज करते हैं, अब नॉर्मल नहीं है ये, अब इसमें क्या कह रहा है, इसमें सम और विषम संख्या पूछ रहा है। जैसे कि कह रहा है कि 860 के सम एवं विषम भाजकों की संख्या कितनी है, सम भाजकों की और विषम भाजकों की संख्या, यानी कि कहने का तत्पर्य इसका ये है साफ साफ कि 860 जो है कितने सम संख्या से कटेगा और कितने विषम संख्या से कटेगा बाबू, तो ये चीज़ हम लोग सीखेंगे सम और विषम। तो पहले हम लोग निकालेंगे सम संख्या का, सम संख्या से कितने सम संख्याओं से कटता है, तो देखिए प्रोसेस सेम रहेगा, पहले हम इसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे ही निकालेंगे। ठीक है, तो इसका पहले हम लोग क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे। 2 मिला 2 गो, 5 मिला 1 गो और 43 मिला 1 गो। ठीक है ना, क्या बताए हैं ये यहाँ पर इतने मिल गए। ठीक है, अब हमको निकालना है सम, सम यानी इवेन नंबर निकालना है। ठीक है, तो देखिए करना क्या है, सम और विषम जब भी निकालना हो तो सम का जब निकालना रहे तो क्या करेंगे, विषम संख्या के पावर में, विषम संख्या का ध्यान रखेंगे, विषम संख्या के पावर में 1 जोड़ेंगे, विषम संख्या के पावर में 1 जोड़ना है, विषम संख्या के पावर में 1 जोड़ना है। ठीक है, और अपने मन से 2 से गुना कर देना है तो ये सम वाला आ जाएगा। जैसे कि कितना हो जाएगा 2 × 2 × 2 यानी हो जाएगा 8, यानी कि है जो है 860 जो है 8 को सम संख्या से कटेगा। विषम देख लेते हैं, विषम यानी कि यानी ऑड नंबर देखेंगे, ऑड नंबर क्या करना है, ऑड नंबर में, ऑड नंबर में सिर्फ विषम संख्या के पावर में 1 जोड़ना है और आपस में गुना कर देना है, बाकी कोई टेंशन नहीं लेना है। कितना होगा 2 × 2 = 4 ये हो गया आपका, ये हो गया सम संख्या और ये हो गया विषम संख्या, यानी कि 8 को सम संख्या से कटेगा और 4 को विषम संख्या से, ये संख्या 860 कटने वाला है। तो आज के लिए हम रखते इतना ही, आशा करते हैं कि वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और अपने दोस्तों में भी इसको फैलाएं। धन्यवाद।